बामो दीजी क्या बात है आपकी बूंदी की। आपकी ये मीठी मीठी बूंदी खाकर मजा आ जाता है। क्या बताऊं, दिन भर की कमाई का आधा पैसा तो तुम्हारी मिठाई की दुकान पर ही खर्च हो जाता है। राहुल, जब खाने के तुम इतना ज्यादा शौकीन हो तो पैसा तो खर्च होगा ही। देखो, भले ही मेरी मिठाई की दुकान है, मैंने तुमसे कह रखा है ज्यादा मिठाई मत खाया करो। इतनी मिठाई क्यों खाती हो तुम? अरे मोदी जी, आप पहले इंसान हो जिसकी खुद की मिठाई की दुकान है और मिठाई खाने को मना कर रहा है वो। अरे राहुल, मैं खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ थोड़ी कम मिठाई खाया करो, पैसे कुछ बचा कर भी रखा करो। तुम दिन भर में 200 रुपए कमाते हो और 150 रुपए की मिठाई मेरी दुकान से खा जाती हो। मुझे मिठाई देने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम मिठाई खाया करो। मोदी जी, इस राहुल से ही बातें करते रहोगे? हमारी तरफ नहीं देखोगे कितनी देर से बैठे पड़े? अरे 250 ग्राम जरा रसीली रसीली जलेबी देना, और जलेबी के साथ दही भी दे देना 100 ग्राम। लालू जी, आप थोड़ा लेट हो गए, दही तो खत्म हो गया, जलेबी जलेबी है, ले लो जलेबी जलेबी। अरे मोदी जी, आपके मिष्ठान भंडार के दूर दूर तक चर्चे हैं और आप कह रहे हो कि दही खत्म हो गया, ये कोई बात है? आपकी दुकान पर कम से कम इतना सामान होना चाहिए, खत्म ना होना चाहिए। अब मैं बिना दही के जलेबी कैसे खाऊंगा? मैं तो बिना दही के जलेबी खाता ही नहीं हूँ। अरे लालू जी, क्या बताऊँ, कल अखिलेश दूध कम देकर गया जिसकी वजह से दही कम बना, नहीं तो मेरी दुकान पर कभी दही खत्म नहीं होता है, आपने देखा होगा। और योगी जी, ये कौन सी ड्रेस में आ गए, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मोदी जी, थोड़ा सा ये ड्रेस पहनने का आज मन किया तो पहन लिया मैंने। मैंने सोचा यही ड्रेस पहनकर आज मैं गांव में निकलता हूँ। बोलो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, कोई चीज खाना है? 2 रसीले रसीले गुलाब जामुन निकाल दो, बड़े बड़े देखकर निकालना, जो सबसे बड़े हों। कल मोदी जी आपने छोटे छोटे गुलाब जामुन दिए थे मुझे, बड़े से देखकर देना, काफी दूर से मैं आपकी मिष्ठान भंडार पर मिठाई खाने के लिए आता हूँ। लोयोंगी जी, बड़े गुलाब जामुन दे देता हूँ मैं तुम्हें, तुम लगातार मेरी दुकान पर ही मिठाई खाने के लिए आते हो, इतनी बात तो तुम्हारी मानना ही पड़ेगी। और मैं लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मोदी जी, साफ साफ बताओ, 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ, कितनी देर लगेगी आपकी चाय बनने में? एक तो अगर आपकी चाय की दुकान पर आओ तो लंच बॉक्स साथ में लेके आओ, यहीं पे खाना खाना पड़ेगा, इतनी भीड़ होती है आपकी चाय की दुकान पर। बिल्कुल योगी जी, बस 2 मिनट और रुक जाओ, मेरी चाय में उफान आ गया, खोला आ गया, बस 2 मिनट और रुक जाओ, चाय बनने ही वाली है। चाय तैयार होते ही सबसे पहले चाय मैं आप ही को दूंगा। और मोदी जी, हम क्या झक मारने के लिए खड़े हुए हैं? अरे इन्हीं योगी जी से पहले आई हुआ हूँ मैं, चाय तो पहले मैं ही लूंगा, देता हूँ मैं तुमसे मोदी जी। अरे सबको मिल जाएगी, बहुत चाय है मेरे भगोने में, 10-15 सेकंड का भी सबर नहीं होता है। हम कैसे सबर कर ले मोदी जी, आपने ये बोला कैसे कि पहले चाय योगी जी को दोगे? मैं और राहुल जबकि पहले से खड़े हुए हैं और इतनी देर से तो चाय खोल रही है तुम्हारी, अब चाय को दो हमें। लो भाई, देता हूँ, पहले तुम्ही को देता हूँ चाय, बहुत आफत है तुम्हें। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।